नमस्कार मित्रों, आज का इतिहास का टॉपिक है आखिर बाबर ने राणा सिंघा को क्यों जहर देकर मार डाला, वह अगली लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहता था। राणा सिंघा एक उग्र राजपूत राजा थे जो अपने साहस और तप के लिए जाने जाते थे। वह मध्यकालीन भारत के अंतिम शासक थे जिसने कई राजपूत राज्यों को खड़ा किया और एक हाथ एक आंख होने के बावजूद विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके शरीर पर करीब 80 घाव थे। राणा सिंघा के बारे में बाबर बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक हाथ एक आंख वाला व्यक्ति जिसने अपने दुश्मनों के साथ लगभग 17 लड़ाई लड़ी। उसने गुजरात और मालवा सल्तनत को हराया और दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को 2 बार धौलपुर और खतौली लड़ाई में हराया। उन्होंने राव रायमल को ईदर के सिंहासन पर बैठाकर ईदर का वशीकरण किया। इसके अलावा राणा सिंघा गुजरात के आक्रमण में मांडू की घेराबंदी की। उन्होंने लगभग शिवाजी से पहले भी इस्लामिक युग में एक हिंदू राष्ट्र बनाया था। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के 3 साल बाद राजपूताना के सभी कुलों को एकजुट किया, लेकिन खानवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ विनाशकारी हार से उनकी शानदार गाथा समाप्त हो गई। राणा सिंघा खानवा की लड़ाई शिल्दी के कारण हार गए थे। शिल्दी युद्ध से पहले बाबर के साथ समझौता किया और राणा सिंघा के सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाबर खानवा लड़ाई जानता है कि वहां कैसे जीता है। वहां तोपों का उपयोग किया था और उसने शिल्दी के साथ समझौता किया था। उसने शिल्दी से राणा सिंघा की युद्ध के योजना ली और राणा सिंघा के सेना के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध का योजना बनाई। खानवा लड़ाई के बाद बाबर राणा सिंघा के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। खानवा लड़ाई तोपे और शिल्दी के वजह से जीता था, अन्यथा राणा सिंघा इस लड़ाई को जीत लेते। खानवा युद्ध के बाद राणा सिंघा को पता है कि तोपों का शक्ति उनकी योजना बाबर के खिलाफ अगली लड़ाई के लिए थी। राणा सिंघा के पास अच्छे सैनिक प्रशिक्षण कौशल है जो वहां बाबर के खिलाफ तोपों के साथ अपनी नई सेना निर्माण कर सकते थे। बाबर पहले से खानवा लड़ाई में अपने प्रमुख तुर्क सेनापति और सैनिकों को खो चुका था और कुछ ही समय में नई सेना का निर्माण करना बाबर के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए बाबर ने राणा सिंघा को मारने के लिए एक षड्यंत्र का इस्तेमाल किया और 30 जनवरी 1588 में जहर देकर मार डाला, जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ाई को आत्महत्या के रूप में नवीकृत करने के लिए अपनी योजना बनाई।